कंपार्टमेंट 107 जो हमारी नॉर्थ लोलाब रेंज का है, उसमें रिसेंटली जो मीडिया में रिपोर्ट आई है कि और उसमें मीडिया की रिपोर्ट में दिखाया भी गया है कई कन्वर्टेड लॉग्स पड़े हुए हैं जंगल में, जिसके ऊपर बर्फ भी गिरी हुई थी। तो पिछले साल ही इसमें से ऐसा डैमेज पाया गया था जिसपे कार्रवाई हुई थी, और वो हमने जो स्टॉक था वो हैंड ओवर किया था फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। अब क्योंकि ये फिर से मीडिया में आया है और क्योंकि 107 ML हम हैंड ओवर कर चुके हैं फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, तो हमने एक नई टीम कॉन्स्टिट्यूट करी है जो कल तक हमें रिपोर्ट भी दे देगी कि क्या ये वही स्टॉक है जो हमने हैंड ओवर किया है या ये कोई फ्रेश डैमेज है। अगर फ्रेश डैमेज होगा तो वी विल टेक स्विफ्ट एक्शन, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में हमने नॉर्थ लोलाब रेंज में ही लोगों को ड्यूरिंग अ रूटीन नाइट पेट्रोलिंग लोगों को पकड़ा डैमेज करते हुए, जिसपे हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं। जहां भी मतलब डिविजन में कुछ भी केस रिपोर्ट होता है तो विद इन 24 आवर्स हमने एक्शन लेके FIR भी फाइल करी है, तो इसमें भी आप निश्चिंत रहिए, इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस सारा जो भी आपने अभी रखे तर्क सामने रखे, सब की इन्फॉर्मेशन मतलब सारी एलिगेशन मेरे सामने आई है और इस सब पे तहकीकात हो रही है कि जो पुराने वहां पे फॉरेस्ट गार्ड थे, जो नए आए हैं उनका अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, हमारे किसी और स्टाफ का, हमारे ही नहीं किसी और डिपार्टमेंट की, अगर हम FDC के भी स्टाफ को जो उस एरिया का है उसे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उससे क्रिस्टल क्लियर बात निकल के आएगी कि एग्जैक्टली फैक्ट क्या है और उसी के बेसिस पे एक्शन दिया जाएगा। डेफिनेटली अभी जो मैंने बताया आपको हाल ही में 3-4 दिन पहले हुआ, रात को हमारी पेट्रोल टीम जंगल में थी और उन्हें कोई मिला पेड़ काटते हुए, और अनफॉर्चुनेटली मतलब उसने सरेंडर करने की बजाय उसने उन्हीं पे हमला किया, लेकिन लकीली वो बच गया, उन्हें कोई इंजरीज नहीं हुई। तो ये जंगल की जो जंगलात में जो नौकरी है वो काफी मुश्किल है, और इसीलिए हम अपने स्टाफ के साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए जैसे आपने बोला कि अगर स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है काफी सीरियस मैटर हो जाएगा हमारे लिए भी, क्योंकि हमने भी देखा हमारा स्टाफ कितनी डिफिकल्टी में यहाँ काम करता है।